We have to prove the value of this determinant is zero. Here you can see in problem number 3 the value of elements are very large. If you want to make any two rows or any two columns identical, then we have to process problem number 3. ठीक है, रो को अगर प्रोसेस करोगे तो यहाँ पे तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू है, इस पूरे को हम प्रोसेस करते हैं तो C3 में से हमें कुछ माइनस करना पड़ेगा. वी हैव टू सब्ट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम कॉलम नंबर 3 सो दैट इट विल बिकम स्मॉलर इन वैल्यूज. इफ यू यूज C3 माइनस C2 ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, C2 माइनस C1 तब तो बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ेगा. तो आपको पता है प्रॉपर्टी नंबर 6 के हिसाब से हम अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई C3 टेंड्स टू C3 में से करना है माइनस. अब कौन सा यूज कर ले, ये यूज करें तो ज्यादा बेटर रहेगा ना. इसमें तो फिर 32 इंटू करना पड़ेगा, 32 2 64 तब जाके 1 बनेगा. इसको यूज कर लो, ये बड़ी वैल्यूज है. तो 9 7 63 63 हो रहा है तो ये छोटी वैल्यूज है. तो अप्लाई कॉलम 3 टेंड्स टू कॉलम 3 माइनस 9 टाइम्स ऑफ कॉलम 2. तो कॉलम 3 में चेंजेस कर लें तो कॉलम 1 एज इट इज 2 3 5, कॉलम 2 एज इट इज 7 8 9. इन प्लेस ऑफ कॉलम 3 फ्रॉम कॉलम 3 सब्ट्रैक्ट 9 टाइम्स ऑफ कॉलम 2. दिस इज कॉलम 2 कॉलम 3, इसका 9 टाइम्स ऑफ 63, 61 माइनस 63 2, इसका 9 टाइम्स होगा 72, 75 माइनस 72 3, इसका 9 टाइम्स 81, 86 माइनस 81 5. ओके, नाउ व्हाट डू यू सी, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर इट इज इक्वल टू 0. ये है दी प्रॉपर्टी, और इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. है तो क्लियर है. नाउ यहां पे देखो, लेफ्ट हैंड साइड इन क्वेश्चन नंबर 4 1 1 1 BC CA AB. अगर आप ब्रैकेट्स को खोलोगे तो यू विल गेट AB + AC, BC + AB, CA + BC. ओके, विदाउट एक्सपेंडिंग, इफ यू वॉन्ट टू प्रूव द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0, तो वी हैव टू कंसंट्रेट अबाउट हाउ टू मेक एनी टू कॉलम और एनी टू रोज आइडेंटिकल. हेयर यू कैन सी AB एंड AC, BC इज मिसिंग, हेयर इज BC. AB एंड BC, CA इज मिसिंग, CA इज इन कॉलम नंबर 2. CA BC AB इज मिसिंग. इफ वी एड C3 with C2, you will get AB + BC + AC, AB + BC + AC, all element will become same. और अगर सभी एलिमेंट सेम हो जाएंगे then we can take common. मैट्रिक्स में तो क्या है, अगर 2 कॉमन लेना होगा तो सभी में ट्वाइस होना चाहिए, नहीं होगा तो कॉलम कॉमन तो ले लोगे. यू हैव टू डिवाइड द पर्टिकुलर एलिमेंट, जो ट्वाइस नहीं था उसको अपॉन 2 लिखना पड़ेगा. कॉलम में अलग होता है, कॉलम में क्या है, अगर आपको नंबर कॉलम कॉमन लेना है तो एनी वन रो और एनी वन कॉलम. पर आएगा तो तभी जब समय होगा सब सेम हो, समय हो प्रोडक्ट में हो रहा है सारे सेम हो, तब पूरा पूरा कॉमन आएगा. फिर 5 5 5 लिखा हो तभी तो 5 कॉमन आएगा, या 5 10 15 लिखा हो तब कॉमन आएगा, 5 2 3 हो तब तो कॉमन नहीं आएगा ना. तो ये अगर हम इसमें ऐड करा दे तो सारे सेम हो जाएंगे, सारे सेम हो जाएंगे देन वी कैन टेक कॉमन. जब पूरा का पूरा एलिमेंट कॉमन आएगा तो उसके बाद बचेगा क्या, 1 1 1, C1 C3 से आइडेंटिकल हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी. तो अप्लाई क्या अप्लाई करेंगे, C3 टेंड्स टू C3 + C2. C3 में प्रॉपर्टी लगाएंगे तो कॉलम 1 को एज इट इज रखो, कॉलम 2 को एज इट इज रखो, एंड इन प्लेस ऑफ कॉलम 3 अप्लाई C3 + C2, AB + BC + CA, AB + BC + CA, AB + BC + CA. ओके, नाउ टेक AB + BC + CA कॉमन फ्रॉम C3, कॉलम 3 में से कॉमन लेंगे तो 12 आएगा AB + BC + CA, एंड 1 1 1 BC CA AB 1 1 1. नाउ C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल,
therefore its value will be zero. Now जब zero होगा तो बाहर है AB plus BC plus CA into zero is equal to right hand side. And how long? भैया आपने कॉमन A plus B plus CA कैसे ले लिया? In column number 3, all the elements are same. Means these elements can be written as AB plus BC plus CA into 1. All elements are same. ये ठीक है. तो this into 1, this into 1, this into 1. Column 3 में सभी element के पास AB plus BC plus CA है. इसलिए हमने इसको common निकाल लिया. कैसे common निकल जाएगा? 1 से तो divide मतलब डिटर्मिनेंट में अगर आपको कॉमन लेना है तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम्स में से लेना होता है. अगर सपोज आपको टू कॉमन लेना हो, सभी में टू लिखा होगा इंटू में, तो बाहर टू कॉमन नहीं आएगा, टू इंटू टू इंटू टू एट कॉमन आएगा. एक कॉलम थ्री में से आएगा, एक कॉलम टू में से आएगा. हम तो कॉलम और कॉलम टू में से कुछ ले नहीं रहे. ओके,